अभी कटिंग कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। और आगे रेस्टोरेंट तो भाई पूरे फुल भरे हुए हैं। तो जय श्री राधे दोस्तों, भाई कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हों, मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। तो फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और भाई आज है यहाँ पे संडे, तो अभी मेरा आज यहाँ पे पोलैंड के अंदर जो है वैकेशन का टाइम आ रहा है, तो मैं जा रहा हूँ इंडिया कल सुबह। तो आज छुट्टी का दिन है मेरे, यहाँ पे रेस्ट डे, और कल मैं यहाँ से फ्लाई करूँगा इंडिया के लिए। तो भाई थोड़ा घूमने आ रखा हूँ बाहर, और अभी पैकिंग पुकिंग करके निकला हूँ थोड़ा बाहर पानी के किनारे। तो भाई संडे के दिन हमारे पास वैसे फ्री नहीं होता है, पर आज थोड़ा मौसम बहुत ही अच्छा और काफ़ी हद से गर्म हो चुका है। तो मैं आया हूँ नदी के किनारे, तो दिखाता हूँ आपको यहाँ पे भीड़ भड़ा का। भाई काफ़ी लोग भाई घूमने आ रखे हैं यहाँ पे, और टहल रहे हैं पानी के किनारे बैठे हुए हैं, और कोई फिशिंग कर रहा है यहाँ पे। तो चलो बताता हूँ आपको वो सुंदर दृश्य। तो चले बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो ये है भाई नीचे का नज़ारा, देख सकते हैं आप लोग। पर इस साइड कम लोग बैठे हुए हैं, और सामने की तरफ भाई पूरा फुल बना हुआ है, जो पानी का किनारा है, जो रिवर का किनारा है, वहाँ पर फुल बने हुए लोग। और कोई आप बोट पे घूम रहे हैं, कोई स्केटिंग कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। और आगे रेस्टोरेंट तो भाई पूरे फुल भरे हुए हैं। तो ये नज़ारा यहाँ पर देख सकते हैं। तो संडे के दिन जो यहाँ पर भीड़ होती है वो लगभग मेरे हिसाब से 5-6 बजे तक होती है, फिर नेक्स्ट डे लोग अपने काम के लिए जल्दी वो कर देते हैं। और सैटरडे के दिन तो भाई पूरा फुल बना रहता है यहाँ, दिन को भी और रात को भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने पार्टी वगैरह करने आते हैं काफ़ी दूर दूर से। देख सकते हैं आप लोग स्केटिंग कर रहे हैं यहाँ पर। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे पूरा जो लकड़ी का हुड का बना हुआ है, ये पूरा बैठने के लिए बना हुआ है। और नीचे यहाँ पे भाई बोट की पार्किंग होती है, कुछ बोट पानी में चल रही है उस साइड में। सामने की तरफ देख सकते हैं आप, ये आ रही है यहाँ पे, और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ। चलो थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, और आपको आगे का यहाँ पे कुछ लोग फिशिंग कर रहे हैं शायद बोट में बैठ के, तो वो बता रहे हैं आपको। ये रेस्टोरेंट देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी फुल भरे हुए हैं, सारे लोग अपने खाने पीने पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे भाई आरती बोट है, ये पिछली वीडियो में बता चुका मैं आपको। और ये यहाँ पे भाई ट्रांसपोर्टिंग के लिए ये भी है, ये भी चलते हैं, ये आप देख सकते हैं आप। ये ट्रांसपोर्टिंग के लिए इनकी एप्लीकेशन आती है, वो डाउनलोड करके आप फिर बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। और ये बोट देखो भाई, ये बोट है यहाँ पर फिशिंग बोट, ये लोग कहीं मच्छी पकड़ने गए होंगे और यहाँ पे उतरे हुए हैं। तो मच्छी पकड़ने के भाई काफ़ी क्रेज़ है इन लोगों के अंदर। और ये देख सकते हैं समर गार्डन जो हो गए चालू हो गए। तो भाई यहाँ पे ये अंकल मच्छी पकड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और आगे भी काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं जो मच्छी पकड़ रहे हैं। तो अभी मैं जो ब्रिज है, ब्रिज के इस तरफ आ गया हूँ, तो चलो यहाँ भी दिखा देता आपको। यहाँ पे भी भाई सारे लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा धूप सेक रहे हैं। और आज का जो यहाँ पे टेम्परेचर है काफ़ी ऊपर चला गया है, ऑलमोस्ट 18 डिग्री पे है जो अभी जो नॉर्मल टेम्परेचर है, तो काफ़ी गर्म हो चुका है। तो इसी के चक्कर में लोग घूम रहे हैं इधर उधर, कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे बच्चों के साथ में आ रखे हैं। और आगे की तरफ भाई ये लोग यहाँ पर फिशिंग कर रहे हैं की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेडीज़ जेंट्स दोनों पकड़ रहे हैं भाई मच्छी, वो सामने की तरफ बोट आ रही है, ये देख सकते हैं आप, पानी में बोटिंग हो रही है अभी यहाँ पे। दोस्तों भाई मेरा जूस चल रहा है यहाँ पे, अभी जूस पी रहा हूँ बैठ के।
ये मिक्स एप्पल और कैरेट का जूस है। तो सारे लोग घूम ही रहे हैं इधर उधर, मतलब थोड़ा हम भी बैठ जाते हैं भाई यहाँ पे। तो मेरे सामने बैठे हुए अंकल जो यहाँ के पोलैंड के हैं, आगे का नज़ारा मैं तुम्हें आगे जाके बताऊंगा। थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाते हैं क्योंकि थोड़ा हवा खा लेते हैं यहाँ पे भी बैठ के। चलो, तो भाई सामने में ये बहुत बड़ा टैंकर खड़ा हुआ है, तो ये ऑयल टैंक है। तो ये मेरे को लगता है यहाँ से दूसरे कंट्री वालों के लिए ऑयल सब जो ऑयल होता है उसको सप्लाई करता है। तो काफ़ी बड़ा हुआ है भाई, टैंकर है ये, आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ बहुत ही बड़ा है वो उस साइड में। तो यहाँ पे शायद कंट्रोल रूम है इनका, ये ऊपर, हाँ यहाँ से ये लोग कंट्रोल करते हैं इसको। और ये पीछे की तरफ ये टैंक है पूरा। तो चलो, ये ऊपर का नज़ारा इस तरीके का भाई। यहाँ पे अभी यहाँ पे जो रोड का काम चल रहा है, और मैं आया हूँ सामने की तरफ से। तो थोड़ा मुझे यहाँ आगे जाके कुछ काम है, उसके बाद फिर यहीं से होके आऊँगा रिटर्न। तो आप फूल देख सकते हैं भाई, कितने सुंदर से फूल खिले हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत फूल है भाई, देख सकते हैं आप, बड़े गुलाबी कलर के हैं। तो यहाँ पे भाई मेटल के फेस भी लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप, स्टील की फिश बना रखी है इन्होंने। यहाँ पे इस तरह के ड्रम बने हुए हैं यहाँ पे, जो भी मेटल के हैं सारे। कुछ इधर फिश गिर रही है नीचे डब्बों के अंदर से, और ये नीचे अंकल यहाँ पे मच्छी पकड़ रहा है, देख सकते हैं आप। तो देखो सामने अंकल ने एक मच्छी पकड़ी, देख सकते हैं आप भाई, क्या भाई जबरदस्त, लोग इधर उधर सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे फुल, देख सकते हो। ये रेस्टोरेंट देखो, यहाँ पे बाहर गार्डन है इसका, और ये कुछ लोग अभी भी यहाँ पे स्केटिंग कर रहे हैं। नीचे पानी का बोट चल रहा है, और मस्त बैठे हुए लोग रिलैक्स करने के लिए। कुछ लोग यहाँ पे साइकिल वगैरह चला रहे हैं। तो गाइस भाई, ये था यहाँ का नज़ारा आज घूमने का। यहाँ पे मस्त घूमा मैं भी यहाँ पे, काफ़ी 1-1.5-2 घंटा हो गया मेरे को यहाँ पे घूमते घूमते। तो चलते हैं यहाँ पे रूम पे, थोड़ा और रेस्ट कर लेते हैं और खाना पीना खाते हैं, फिर शाम हो जाएगी, शाम को भाई लोग आ जाएंगे ड्यूटी से। तो थोड़ी देर बैठेंगे और फिर सो जाएंगे। तो फिर मुझे कल सुबह यहाँ से निकलना है 10 बजे बर्लिन एयरपोर्ट के लिए। तो यहाँ से मैं पहले बस पकड़ूँगा फिर बर्लिन, तो 2-2.5 घंटे का रास्ता मेरा बस से है। उसके बाद आगे का सफ़र मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, और मिलते हैं फिर आपसे एक नए ब्लॉग में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, टेक केयर दोस्तों।